नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप जानते हैं, आपने मैथमेटिक्स में शायद पढ़ी हो। तो उसमें क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच रिलेशन मिलता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखें रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन देती है। ठीक है, किस किस के बीच, जिस प्रकार से आपने पढ़ा ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वे दोनों रिलेशन देती थी लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच रिलेशन देने वाली जो थ्योरम है उसका नाम क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, आप लोग पूछते हैं कि क्या इनका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, तो इसका उत्तर है नहीं, नहीं है। ठीक है, केवल क्या है, स्टेटमेंट आपके सिलेबस में है। तो रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल देखो, और थ्योरम का नाम क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस, क्योंकि गॉस साइंटिस्ट हैं और डाइवर्जेंस क्या होता है वो आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल चैप्टर था आपका। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। क्लियर है, चलो तो ध्यान देना, ये क्या होता है, ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन स्थापित करता है। ठीक है, मतलब करती है, थ्योरम है ना, और प्रमेय है तो भी करती है ना, करता है नहीं कहेंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से अब, तो सरफेस इंटीग्रल तो आपको पता है ऐसे होता है, ये सरफेस इंटीग्रल है और वेक्टर एफ कोई क्या है, वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन, और इंटू में क्या, वो डॉट में एन कैप इंटू डी एस, ये है। ठीक है, और इधर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इंटू डी वी। ठीक है, तो ये जो थ्योरम आपको दिख रही है इस थ्योरम को ही आप क्या कहते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और मैं आपको बता दूं कि वेक्टर एफ क्या है, वेक्टर एफ है वेक्टर फंक्शन, एक कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। क्लियर है, वेक्टर फंक्शन, स्केलर फंक्शन नहीं है, वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर यानी सदिश। और एन कैप आप जानते हैं यूनिट नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो जब आपको स्टेटमेंट का, वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाए तो आपको लिखना है ना थ्योरम को, और साथ में इसमें जो सिंबल्स यूज्ड हो रहे हैं उन सबको बताना है क्या क्या है। तो आप चाहे वेयर करके बता सकते हैं या थ्योरम को लिखने से पहले बता सकते हैं इफ करके। ठीक है, डी एस क्या है, सरफेस है। ठीक है, और वी क्या है, वी डी को रहने दो, एस क्या है, सरफेस है, और वी क्या है, वॉल्यूम है। सरफेस यानी कि पृष्ठ, वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, और डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है डॉट लगाकर। ठीक है, तो यदि आप लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ तो इसका मतलब है कि डेल डॉट एफ। ठीक है, ये मतलब होता है, मैंने बताया था ग्रेडियंट में इंटू रहता है, डाइवर्जेंस में डॉट रहता है, और कर्ल में क्रॉस रहता है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये है रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेशन देती है, मैंने आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम समझा दी है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो लिखा है इवेल्युएट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ओवर द एंटायर यानी संपूर्ण सरफेस ऑफ द रीजन। उस यानी वो सरफेस है, संपूर्ण सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ है, किस रीजन का, किस क्षेत्र का, रीजन माने क्षेत्र, जो बाउंडेड बाय, जो घिरा है बाय द सिलेंडर, इस सिलेंडर यानी बेलन के द्वारा घिरा है, और साथ में इस प्लेन के इक्वेशन के द्वारा घिरा है। ठीक है, प्लेन यानी समतल के समीकरण के द्वारा, और आपसे वेक्टर ए दे रखा है। ठीक है,
तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें अप्लाई करो, तो क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेक्टर एफ होता है लेकिन यहाँ वेक्टर ए दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एन कैप इंटू डी एस। तो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ यानी वेक्टर ए और इंटू में डी वी। तो डाइवर्जेंस पहले ए का आपको निकालना पड़ेगा है ना, फिर कुछ करेंगे। तो एक काम करो, पहले डाइवर्जेंस निकाल लो ए का, वेक्टर ए का, इसका मतलब होता है डेल डॉट ए वेक्टर ए। तो डेल का मान डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है जी। डॉट ए, ए ये रहा सिक्स जेड आई कैप प्लस टू एक्स प्लस वाई जे कैप और माइनस का एक्स के कैप, ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे देखें i डॉट i वन, तो ये बचेगा डेल ओवर डेल एक्स सिक्स जेड प्लस डेल ओवर डेल वाई जे डॉट जे वन, तो टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। डेल वो जे डॉट जे वन, तो डेल ओवर डेल वाई टू एक्स प्लस वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड और के डॉट के वन, तो माइनस का एक्स, क्लियर है, ठीक है। देखो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हो, जीरो हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करो इसका जीरो, वन बचेगा केवल, है ना, और यहाँ जीरो हो जाएगा ये। जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स का कर रहे हो, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर ए आपका कितना आया, वन, ठीक है। तो थ्योरम लगा लो, सो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो देखो है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ है ना ए की वैल्यू वन और डी वी की वैल्यू रख लो डी एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड की लिमिट ले लेंगे, तो एक्स की लिमिट देखो, देखो लिमिट ले लो इधर, एक्स की लिमिट एक तो एक्स बराबर जीरो है, ठीक है चलो, और वाई बराबर जीरो दे रखा है और वाई बराबर एट दे रखा है, तो वाई की लिमिट तो पता है जीरो से एट तक है, और जेड की लिमिट जेड बराबर जीरो दे रखा है और जेड बराबर, ठीक है, और नहीं पता। तो देखो इसमें एक तो एक्स की दूसरी वाली लिमिट निकालनी है, तो वाई बराबर जीरो रखो यहाँ पे, तो एक्स बराबर कितना आएगा थ्री, तो एक्स की एक लिमिट निकल गई थ्री, ठीक है। और देखो यहाँ पे जेड है ही नहीं, तो जेड की लिमिट वैसे तो निकलनी नहीं, तो एक काम करो देखो यहाँ से वाई बराबर कितना आएगा अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, तो है ना, तो जो वाई की लिमिट है उसी की हेल्प से निकालेंगे जेड की लिमिट, ठीक है। तो वाई की जो लिमिट है उसी की हेल्प से क्या निकालेंगे, जेड की लिमिट, तो कितनी आ जाएगी ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। तो देखो लिमिट निकालने के बाद एक्स बराबर जीरो से लेकर कहाँ तक है, थ्री तक है, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर एट तक है, और जेड की लिमिट जीरो से लेकर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तक है, ठीक है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। बस अब तो इसका कर दो इंटीग्रेशन, आप जानते हो करना। देखियो पहले जेड के रेस्पेक्ट में कर लो, तो वन का जेड हो जाएगा, ये बाकी ऐसे रहने दो, तो वन का क्या हो जाएगा जेड, और लिमिट जीरो से लेकर अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर तक, जेड के रेस्पेक्ट में कर दिया तो डी एक्स डी वाई बचा, क्लियर है। आगे देखो अपर लिमिट रख दो, तो एक्स बराबर जीरो से थ्री और वाई बराबर जीरो से एट, अपर लिमिट रखोगे तो आ जाएगा अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लिख लो थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, वो थ्री स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना अंडर रूट में, और इंटू में डी एक्स डी वाई ऐसी रहेगा, क्लियर है। तो इसका सूत्र जानते होंगे आप, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, ये सारा मैंने इधर का रफ कर दिया है। इसके बाद देखो, यहाँ तक तो आ गया आप, इसके बाद देखो इधर और उधर वही चल रहा है। मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार क्या चल रहा है, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट एन कैप है ना इन टू डी एस, और बराबर में ये सब वो उधर चल रहा है ना। तो देखो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, क्या होता है, एक्स बराबर जीरो से ये ऐसे लिखो थ्री, और ये वाई बराबर, चलो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको इसका, ध्यान से है ना याद रखना, आपको याद होना चाहिए, ट्वेल्थ क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है ना इन टू डी एक्स, क्या होता है एक्स बाई टू है ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू और इन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है जी, ये होता है ये वाला, क्लियर है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है ये, क्लियर है, लिख लेना। तो यहाँ पे x आ रहा है, x में है ना ये, तो पहले x के रेस्पेक्ट में कर दो, ठीक है, तो पहले x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो y की लिमिट ले लो, y बराबर 0 से 8, y वाला ऐसे रहने दिया, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दिया, तो इंटीग्रल करो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर a है, यहाँ पर 3 है, तो a की जगह हमारी इस क्वेश्चन में क्या है 3, तो यानी x अपॉन 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन 3, और लिमिट एक्स के कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक है, वाई के रेस्पेक्ट में भी करना रह रहा है, तो डी वाई ऐसा का ऐसा ही। देखो लिमिट रख दो, तो पहले अपर लिमिट रखो, एक्स की जगह 3 रखो, थ्री रखोगे थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो हो जाएगा, प्लस नाइन बाई टू साइन इनवर्स थ्री अपॉन थ्री यानी वन, ठीक है, माइनस जीरो आएगा और माइनस जीरो साइन जीरो जीरो ही होता है, तो छोड़ दो और इनटू डी वाई, ठीक है जी। तो देखो नाइन बाई टू बाहर निकाल लो और ये साइन इनवर्स वन भी बाहर निकाल लो, और वन क्या होता है साइन, ठीक है, पाई बाई टू साइन नब्बे का मान वन होता है, ये बाहर निकाल लिया और ये बच जाएगा वाई बराबर जीरो टू एट डी वाई, यहाँ कुछ नहीं है तो वन, तो ये बचेगा नाइन बाई टू और इनटू साइन से साइन कट जाएगा पाई बाई टू बचा, ठीक है, और ये देखो वाई बचा केवल, ठीक है, और जीरो से एट लिमिट है ना, तो देखो यह जाएगा नाइन पाई अपॉन फोर और इंटू एट, तो फोर टू जा एट, तो ये जाएगा नौ दुनिया अट्ठारह एटीन पाई, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एटीन पाई, यहाँ तक नोट कीजिए, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसमें कहा सो दैट आपको सिद्ध करके बताना है कि सरफेस इंटीग्रल इतने का कितना आएगा, फोर अपॉन थ्री पाई इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और एस क्या है सरफेस है इस स्फेयर का है ना, इस स्फेयर यानी गोले का, क्लियर है। तो देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, क्या होती है सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल, और यहाँ होता है डाइवर्जेंस ऑफ वी डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर एफ और इंटू डी वी। तो देखो वैक्टर एफ जो है एन ये वाला दे रखा है वेक्टर एफ, ठीक है, तो वेक्टर एफ लिख लो पहले, क्या दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस सी जेड के कैप, आपको डाइवर्जेंस ऑफ एफ चाहिए, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ निकाल लो, यानी डेल डॉट एफ, तो डेल की वैल्यू है डेल फाई ओवर डेल एक्स, फाइव नहीं फाई नहीं होता है ना, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, और डॉट वेक्टर एफ देखो कितना है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस सी जेड के कैप। देखो सुनो
आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स प्लस जे डॉट जे वन, तो डेल ओवर डेल वाई, और ये हो जाएगा बी वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, और ये हो जाएगा सी जेड। के डॉट के वन हो जाएगा ना, एक्स का वन तो ए बचा, वाई का वन बी बचा, सी का सी ऐसे रहेगा जेड का वन। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ कितना आया, वेक्टर ए वो ए प्लस बी प्लस सी आया है ना, थ्योरम में रखो वैल्यू। सो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, ठीक है जी। और देखो यह है वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू रखो ए प्लस बी प्लस सी, और यह है डी वी, क्लियर है जी। चलो तो देख लो यहाँ तक नीचे, हाँ अभी दिख रहा है आपको। चलो देखो ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लो, और ठीक है ये इंटीग्रल है ये डिफरेंशियल है, तो v बच जाएगा केवल, है ना, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो केवल क्या बचेगा v। तो a प्लस बी प्लस सी, चलो एक लाइन लिख लूँ, ये इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल है d, ये इंटीग्रल है तो डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी इंटू वी, वी फॉर वॉल्यूम। तो ये बचेगा वेक्टर f डॉट एन कैप इंटू डी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फेयर के, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, वॉल्यूम यानी आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, और यहाँ होता है आर स्क्वायर, तो यहाँ वन का स्क्वायर है, इसका मतलब आर बराबर क्या है वन, तो यहाँ जाएगा वन का स्क्वायर, वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो वन का क्यूब, है ना, क्लियर है। तो इस ये जो इक्वेशन होती है स्फेयर की वो ये रहती है बराबर आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर रेडियस रहती है लेकिन यहाँ पर वन है, ठीक है, तो इसका मतलब आर बराबर क्या है वन, तो वन का क्यूब वन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा सिर्फ आपका 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है जी। तो इसके बाद और भी क्वेश्चंस अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा, बाकी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मैंने इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया, गॉस थ्योरम, है ना, गॉस थ्योरम, जिसे आप डाइवर्ज, यानी गॉस एक साइंटिस्ट और उनसे उन्होंने किससे रिलेटेड थ्योरम दी, डाइवर्जेंस से, तो इसे आप कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और दूसरा नाम है इसका डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस भी कह सकते हैं, क्लियर है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बाकी इसके बाद के लेक्चर्स जो हैं वो आप जानते हैं, यूनिट ये यूनिट पेड बैच में है, तो पेड बैच में आपके इसके बाद के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, और जो भी स्टूडेंट पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको जानकारी चाहिए ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।